प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका डेली यूज सेंटेंसेस में। डेली यूज सेंटेंसेस ये जो सीरीज चल रही थी बहुत ही अच्छी सीरीज थी, और 50 जो पार्ट्स हैं करने के बाद कुछ समय का विराम ले लिया था हमने, लेकिन फिर से डिमांड आ रही है कि स्टार्ट दिस सीरीज अगेन। तो ये फिर से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आप लोग देखेंगे कि इनमें अब कुछ जैसे एक पर्टिकुलर सेंटेंस होता है, अब उस सेंटेंस से रिलेटेड कुछ भी आपको कुछ बोलना हो तो किस तरीके से आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं। सो दिस इज पार्ट नंबर 51। ये कौन सा पार्ट है? 91वां पार्ट है। अब यदि आपको और वीडियोस देखने हैं, मींस प्रीवियस वीडियोस देखने हैं, इफ यू वांट टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस, तो आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली एक ट्रिक बताता हूं, वहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको जाना होगा गूगल या यूट्यूब पे। गूगल या यूट्यूब पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको इनमें से कुछ भी जब आप टाइप करेंगे तो हमारी वीडियोस खुल जाएंगी। डेली यूज सेंटेंसेस प्रेम ज्ञान, चाहे प्रेम ज्ञान लिख के डेली यूज सेंटेंसेस लिख दीजिए, या स्पोकन इंग्लिश लिख के प्रेम ज्ञान लिख दीजिए, या डेली यूज लिख के प्रेम ज्ञान कर दीजिए। इनमें से यदि आप कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। समझ में आ गई बात? तो आज आप क्या सीखने वाले हैं? कई बार हमें बोलने की जरूरत पड़ जाती है कि यार इसके साथ तो रहना ही बेकार है, इससे तो बहस करना ही बेकार है, इससे तो बोलना ही बेकार है, समझ रहे हो, इससे से समझना ही बेकार है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको आप कैसे बोलेंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम इन्हीं सेंटेंसेज को सीखेंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है, दिस इज पार्ट नंबर 51, और अपनी कॉपी पेन लेके के बैठ जाइए। क्या लेके बैठना है? कॉपी एंड पेन, नोटबुक एंड पेन, या डायरी भी बहुत लोग मेंटेन कर रखे हैं, डायरी लेके बैठ जाइए। एंड फिर से हम ये सिलसिला चालू करेंगे हर 2 दिन के बाद, आफ्टर एवरी 2 डेज, बिकॉज आई एम वेरी बिजी इन मेकिंग वीडियोस ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास के जो वीडियोस होते हैं उनको बना रहा हूं। यदि आपके बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, यदि आप स्वयं 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आपको इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, ये तो बेकार है, जनरली इसके लिए हम यूज करेंगे इट इज यूजलेस या इट इज ऑफ नो यूज। क्या बोलेंगे? इट इज यूजलेस। इस पे सेंटेंसेस देख लीजिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है, जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं और वो बताना नहीं चाह रहा हो तो हम क्या कहते हैं? यार तुमसे ना कुछ पूछना ही बेकार है। तो कैसे बोलेंगे? तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है, तो आप बोलेंगे इट इज यूजलेस। इट इज यूजलेस कि भाई ये बेकार है। और आप इट इज को क्या लिख सकते हैं? इट्स इट्स यूजलेस। क्या बोल सकते हैं? इट्स यूजलेस। अदरवाइज दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ, जैसे इट्स लिख दिया मैंने तो इट इज का भी यही है और इट हैज का भी यही है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग दीज सेंटेंसेस तो इसमें क्या होता है? इट इज। क्या होगा? इट इज यूजलेस टू आस्क यू समथिंग। इट इज यूजलेस टू आस्क यू समथिंग। बोलिए इसको मेरे पीछे, क्या बोलेंगे? इट इज यूजलेस टू आस्क यू समथिंग। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। क्या कहेंगे आप? तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, तो क्या बोलेंगे इसको? इट इज यूजलेस टू टेल यू समथिंग। कहना बेकार है, बताना बेकार है, तो आप क्या कहेंगे? इट इज यूजलेस टू टेल यू समथिंग। इट इज यूजलेस टू से यू समथिंग। तुम्हें तो कुछ कहो वो बेकार है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज यूजलेस टू से यू और टेल यू समथिंग। तुम्हारे साथ पार्टी में जाना बेकार है। इट इज यूजलेस टू गो इन द पार्टी विद यू। क्या बोलेंगे? इट इज यूजलेस टू गो इन द पार्टी विद यू। नेक्स्ट इज तुम्हारे साथ सफर करना बेकार है। इट इज यूजलेस टू ट्रेवल विद यू। जैसे कि मान लीजिए कोई ज्यादा मतलब हंसी मजाक वाला आदमी ना हो, आराम से बैठा रहता है, बातें नहीं करता, तो हम करेंगे यार तेरे साथ तो जाने से क्या फायदा है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज यूजलेस टू ट्रेवल विद यू। क्या बोलेंगे? इट इज यूजलेस टू ट्रेवल विद यू। तुम्हारी मदद करना ही बेकार है। इट इज यूजलेस टू हेल्प यू। इट इज यूजलेस टू हेल्प यू। आप समझ पा रहे हैं ना?
तो इस प्रकार से जो भी सेंटेंसेज आप इस तरीके से बोल सकते हैं, तुम्हारे लिए तो कुछ करना ही बेकार है, इट्स यूजलेस टू डू समथिंग फॉर यू। क्या बोलेंगे? इट्स यूजलेस टू डू समथिंग फॉर यू। तुम्हारा मित्र होना ही बेकार है। क्या बोलेंगे? तुम्हारा मित्र होना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू बी योर फ्रेंड। भाई तुम किसी काम के नहीं हो, तो तुम्हारा तो मित्र होना ही बेकार है, तो क्या बोलेंगे? इट्स यूजलेस टू बी योर फ्रेंड। तुम्हें क्षमा करना ही बेकार है, इट्स यूजलेस टू फॉरगिव यू। कोई गलती करता है और वो हमसे सॉरी बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि तुम्हें तो क्षमा करना ही बेकार है, तो क्या बोलेंगे? इट्स यूजलेस टू फॉरगिव यू। ठीक है, अब ये तीन चैलेंजेस हैं आपके लिए। दीज आर द सेंटेंसेस फॉर यू। ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं। आप यदि आपने ये वीडियो देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इनका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तुम्हारे साथ अब एक क्षण भी रहना बेकार है। कई बार हम किसी से नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं तेरे साथ तो मैं एक सेकंड भी नहीं रहूंगा, तो क्या बोलेंगे? इट्स यूजलेस, लिख के बताएंगे। मैं क्यों बताऊं? इट्स यूजलेस आप लिख लीजिएगा। तुम्हारी बातें सुनना ही बेकार है, तुमसे बहस करना ही बेकार है। तो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको समझ में आ गया है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। और एक रिक्वेस्ट और है, यदि आप बच्चे नहीं हैं, यदि आप एक अभिभावक हैं, एक माता पिता हैं, इफ यू आर अ पेरेंट, तो आप क्या कीजिए, अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाइए। देखिए, आपको भी मालूम है कि आने वाले समय में इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश के पूरे संसार की भाषा है, इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी से अपने बच्चों को इंग्लिश क्यों ना सिखाएं? क्यों हम इंतजार करेंगे कि उनको भाई किसी कोचिंग सेंटर पे भेजेंगे, हाँ वहां पे 8-10 हजार रुपया खर्च करेंगे तब वो इंग्लिश सीखेंगे? भाई ये कोर्स का ही काम है, ये आपके कोर्स का ही काम है। रोजाना इसको पढ़िए। और यदि आप किसी भी क्लास में हैं, इफ यू आर इन क्लास 4th, 5th, 10th, 12th, या कोई BA, BSc, BTech, NCA चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, तो ये बात आप लिख के लीजिए, लिख के रख लीजिए कि बिना इंग्लिश के आपका पढ़ना सारा ही बेकार जाएगा। अनटिल और अनलेस यू आर नॉट एबल टू स्पीक कन्वर्स इन इंग्लिश, आपका मतलब जो आप पढ़े हैं उतना इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। मोर ओवर व्हेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू देयर दे विल आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश, यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश ओनली। तो अभी से इंग्लिश सीख लीजिए मेरे दोस्त। तो मुझे उम्मीद है प्रेम की बातें ये समझ में आ गई होंगी। और अंत में आपको यही कहूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं भी अच्छी लगी हो तो भी आप सब्सक्राइब इसलिए करेंगे कि आपको आपके बच्चों के काम आने वाली है। एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, जस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।